तो आज रिव्यू कर रहे हैं LG मोनिटर का। 18.5 इंच का है जो फ्लिपकार्ट से ख़रीदे थे खुद के लिए, तो सोचा रिव्यू करके आप लोग को भी बता दो। तो इसका प्राइस था, अभी जो दिखा रहा है वो 5875 है, लेकिन हम इसको परचेज़ किए हैं 4999 में। कुछ ऑफ़र था, एक मंथ में यूज कर रहा हूँ। तो देखिए डिलीवरी तो आ चुका है, इसको ओपन करके दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। तो ओपन कर रहे हैं इसको, तो दो परत में कार्टून दिया हुआ था, एक कार्टून ओपन किए, इसके अंदर है ये LG मोनिटर दिख रहा आपको, जिसमें कि कुछ लिखा हुआ तो खास नहीं दिख रहा है, बस LG का साइन दिया हुआ है। और ये साइड में कितना सेंटीमीटर का वो बता दिया गया है, और यहाँ पे इसका प्राइस दिया हुआ है, और पावर कितना कंज्यूम करता है वो लिखा हुआ है, और उसका डिटेल दिया हुआ है कहाँ से आया हुआ है बस। और इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर देखते हैं ओपन करके, जिसके अंदर एकदम सेफ से पैक किया हुआ है। मुझे सस्ता लगा इसलिए, अगर कम प्राइस में डेस्कटॉप बनाना है तो मैंने सोचा यही ठीक है, इसलिए परचेज किया था फ्लिपकार्ट से ही। कुछ ऑफर भी था तो सस्ता पड़ा, बट आप शोरूम से भी ले सकते हैं, सेम प्राइस में मिल जाएगा अगर शोरूम आपके निकट पड़ता है तो। तो ये अब आ गया मॉनिटर। यहाँ पे अडैप्टर ये है, ये स्टैंड लग रहा, ये स्टैंड है, उसके बाद ये स्टैंड का ही है, और ये इसमें कुछ ज्ञान की बातें हैं जो हमारे गुरुजी कहते हैं। हाँ वही है, देखते हैं। वारंटी कार्ड है और यूज़र मैनुअल भी उसी में था। और ये आपका केबल दिया हुआ है CPU से कनेक्ट करने के लिए, और ये एडाप्टर दिया हुआ है मॉनिटर में लाइन देने के लिए। बस इतना सा ही है इसमें, और कुछ तो नहीं है। देखिए मॉनिटर अब ओपन करते हैं। ये रहा मॉनिटर, 18 इंच का है, देखने में नॉर्मल यूज के लिए घर में ठीक है। इसको स्टैंड में लगाते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। लुक तो अच्छा लग रहा है इतना कम प्राइस में। यहाँ पे कुछ बटन दिया हुआ है और स्विच भी यहीं पर है वाइट में, और पीछे पीछे बस कुछ सीरियल नंबर दिया हुआ है, और इसका इनपुट DC जो अडैप्टर का है, और ये केबल का दिया हुआ है बस, और नीचे कुछ नहीं। अब लाइन दिए तो अभी तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि कुछ से कनेक्ट किए नहीं है इसको, सिर्फ लाइट दिए हैं इसमें। ये नीचे स्विच है और भी बहुत सारा बटन है, अभी वो सिंगल बता रहा है। CPU से कनेक्ट करने पर इसमें आ जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।